गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेव्य यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि अजय, निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्र वाले, पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। मेघनाथ माया मैं रथ चढ़े गये आकाश, गरज अट्टहास करे भय कपी कट कहीं त्रास। मेघनाथ उसी माया मैं रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बाणों की सेना में भय छा गया। शक्ति सूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुधनाना, डार ही परस परिधि पाशाना, लागे उप्रस्ति करै बहुमाना। वो शक्ति सूल तरवाल कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने लगा, पर से परिधि पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिशि रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ जरी लाई, धर धरु मारु सुनियु धुनि काना, जो मारई ते ही को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ने लगे, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गह गिरी तरु आकाश कपी धावहीं, देखहीं तेही न दुखित फिरी आवहीं, अब घट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल कीन से सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, अर्थात बाणों से छा दिया। जाहीं कहां व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर, मारुता सुता अंगद नल नीला, कीने सिकल सकल बल सीला। अब जहां जाएं ये सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति हनुमान अंगद नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। सुन लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरणि मारि कीने से जर जर तन, उन रघुपति से जूझहि लागा, सर छाड़ाई होई लागहि नांगा। फिर उसने लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वो श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वो जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय करारी, सौ बस अनंत एक अभिकारी, नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, हे खर के शत्रु
श्री राम जी लीला से नागपास के बस में हो गए, उससे बन गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एवं अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बनायो, नागपात देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नागपास में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा ही भय हुआ। गिरजा जा सुनाम जपी मुनि का टही भव पास, सो की बंध कर आवई व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्व व्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, कर की न जाही बोधि बलवानी। अस बिचारि जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो अज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटको की निधन नादा, उनिवा प्रकट कहे दुर्वादा। जामवंत कहे हल रहु ठारा, मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वो प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। उड़ जानी सट छाड़े तो ही लागे सी अधम पचा रही मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जाम बंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझको ही ललकारने आया है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम बंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ कर दौड़ा। मारिसी मेघनाथ कई छाती, परा भूमि धुरमित सुर घाती। पुनरिशान गहि चरण फिरायो, मही पछारि निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वो देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। इहां देव ऋषि करुण पठायो, राम समीप सपति सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वो मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद ने गरुड़ को भेजा, वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए माया नांग बरूत, माया विगत भय सब हर से बानर जूत। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़ कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहि गिर पातक उपल नख धाये की सुरिसाई, चले तनी चर बिकल तर गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले।
और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ कहे मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिर बर कंदरा, करम अजय मक अस मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा टूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वो तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। इहा विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मग करहि अपावन, खल माया भी देव सतावन। यहाँ विभीषण जी ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अब पवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध हो सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीति न जाई। सुन रघुपति अतिशय दुख माना, बोले अंगदाद कपि नाना। हे प्रभु, यदि यह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारो रन ओही, देखी सब है सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे होते ही बल्लभ देखो पाई, यही चीज निश्चर सुनो भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तीनो जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीनी अनुशासन, कठिन संग तस्य साजि सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन इब गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुबीर जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर अर्थात चढ़ाकर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जौते ही आज बंधे बिनु आवौ, तौ रघुपति सेवक न कहावौ। जौं तत शंकर करहि सहाई, तदपि हताउ रघुबीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं, तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें, तो भी श्री रघुबीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति जरन नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर और भैंसा।
कीन कपिन सब जग बिसंता, जब न उठाई तब करही प्रसंता। बानरों ने जाकर देखा कि वो बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वो जब नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठाई धरणी कछ जाई, लातनी हती हती चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वो न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार के वे भाग चले। वो त्रिशूल लेकर दौड़ा तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब वारही वारा। कोपि मारुत सुत अंगद दाए, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वो अत्यंत क्रोध का भरा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहे छाड़ त्रिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुते जुब राजा, हतहिं कोपि तहिं घाऊ न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर शिकारा। आवता देहि क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिखी कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, ये देखकर जब वीर लौटे तब वो घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पवि सम बाना, तुरत भयो खल अंतर भाना। विविध भेष धर करई लड़ाई, कबहू का प्रकट कबहू दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वो दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति का रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वो कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखिया जय रूप डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र धरावा, यही पापी ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे, तब सर्पराज से जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल खिला चुका। सुमिरि कोशलाधीश प्रतापा, सरसंघान कीन कर दापा। छाड़ा बान माझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त कर ही देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संघान किया। बाण छोड़ते उसकी छाती के बीच में लगा, मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कहे राम कहे, अस कहे छाड़े प्राण।
धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है, जो तू लक्ष्मण जी के हाथों से मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण का स्मरण करके तूने इनके नामों का उच्चारण किया। बोलिए श्री रामचंद्र की, हनुमान की।